युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज की पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत गोरक्षनाथ मंदिर में चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के चौथे दिन कथा व्यास असर्पी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्रीधराचार्य जी महाराज ने व्यास मंच से कहा कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम से भक्त अपने भगवान से जो चाहे करवाता है वह सब कुछ भगवान भक्त के लिए करने लगते हैं। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, कोई सबरी के जैसे खिलाता नहीं। भजन गाकर भक्त और भगवान की प्रेममय भाव का वर्णन किया। प्रयागराज की महिमा बताते हुए कहते हैं कि 63 करोड़ तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। प्रयाग में निरंतर यज्ञ होते रहते हैं, इसलिए उसका नाम प्रयाग पड़ गया। प्रयाग तीर्थों का राजा है, इसलिए उसके पास राजा के 3 चिन्ह भी हैं। प्रयाग में माँ गंगा की विस्तृत भूमि, जहाँ कुंभ लगता है, वह सिंहासन है। वहाँ पर विद्यमान अक्षय वट उनका छत्र है, तथा चामर के रूप में गंगा और यमुना दोनों नदियों के प्रवाहमान तरंगे हैं। कथा व्यास ने कहा कि भगवान प्रत्येक जीव में आकर स्थित होकर सबका नियमन करते हैं और जठारी अग्नि बनकर सबका खाया पिया पचाते हैं। समुद्र में बड़वानल बनकर संपूर्ण बरसात के जल को जलाते रहते हैं, जिससे धरती सुरक्षित बनी रहती है। मन के बारे में बताते हुए कथा व्यास ने कहा कि मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। हमारे मन को ब्रह्मा जी ने बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए मन हमेशा बाहरी विषयों में भागता रहता है। उस मन को नियंत्रण में रखना ही भजन का प्रयोजन है। मन को ध्यान में लगाना चाहिए, जिससे धीरे धीरे मन एकाग्र होता है। एकाग्र मन में भगवान का प्रतिबिंब होता है। उन्होंने मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन के द्वारा मन की महत्ता तथा उसके नियंत्रण से लाभ को बताया। शरीर के निर्माण के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तत्व से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसी 5 तत्व से शरीर रूपी पिंड का भी निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड में विद्यमान सब कुछ हमें मिल सकता है, बस अपने मन को बाहर के विषयों से हटाकर स्वयं में लगा लिया जाए, कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाएगा। प्रयागराज से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, वहां का रमणीय वातावरण देखकर उस तीर्थ को प्रणाम करते हैं और माता सीता से कहते हैं कि मैंने वनवास में आकर 2 फल प्राप्त किया है। पहला यह कि पिताजी को उनके द्वंद्व से छुटकारा दिलाया है, दूसरा कि भाई भरत को कुछ प्रसन्नता दे सका। चित्रकूट में भगवान शाह आनंद विराजते हैं, तो वह स्थान वैकुंठ हो जाता है, तथा जिस अयोध्या को छोड़कर भगवान गए हैं वह मृत्युलोक हो जाता है। उस मृत्युलोक में भरत रहते हैं, जो बाद में प्रभु को याद करते हुए वनमार्ग से होते हुए भगवान से मिलने चल पड़ते हैं। रास्ते में निषाद राजगुहा से भेंट होती है, जो भरत को भगवान के बारे में बताते हैं। आगे भारद्वाज ऋषि का आश्रम पड़ता है, सब लोग पहुंचकर विश्राम व भंडारा करते हैं। वहां सब सुख सुविधाओं को पाकर अयोध्यावासियों का मन आनंदित हो जाता है और वे सभी कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यही आनंद लेंगे। ऐसा कहते हुए आनंद लेने लगे, किंतु भरत ने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना ही विश्राम किया, बस भगवान राम का ध्यान करते हुए रोते रहे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भजन गाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरे दिन सुबह भरत चित्रकूट के लिए निकल पड़े। भरत जहाँ जहाँ जाते वहाँ मेघ छाया करते हैं, पृथ्वी नर्म हो जाती है, हवाएं शीतल हो जाती हैं, पूरी प्रकृति उस भगवान के परम भक्त की सेवा में लग जाती है। भरत को सेना के साथ आता देखकर लखन का क्रोध फूट पड़ता है। भगवान राम से कहते हैं कि मैं भरत का वध कर देता हूँ। भगवान उनको समझाते हैं और कहते हैं कि भरत मेरा भाई है, उसे मेरी याद आई होगी, इसलिए आ रहा होगा, उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में गाकर श्रोताओं को भरत का भगवान राम के प्रति भाव को बताया। श्री भरत और श्री राम के मिलन के करुणिक दृश्य का इस प्रकार से वर्णन कथा व्यास ने किया कि श्रोताओं की आंखों में आंसू निकल पड़े। कथा का प्रारंभ व्यास मंच के पूजन तथा समापन आरती एवं प्रसाद से हुआ। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। इस अवसर पर योगी कमलनाथ जी, महाराज महंत रविन्द्र दास जी, महंत गंगादास, अवधेश सिंह, संजय सिंह, महेश पोद्दार, अजय कुमार सिंह, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, ब्रजेश मणि मिश्र, प्रांगेश कुमार मिश्र, डॉक्टर रोहित मिश्र, अश्वनी त्रिपाठी, विनय गौतम आदि उपस्थित रहें।